नमस्कार, मैं अनुष्य भारद्वाज राजधानी न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का किया उद्घाटन। लकड़ी तस्करों ने की वन कर्मियों के साथ मारपीट, ट्रेन की चपेट में आकर हुई होमगार्ड की मौत, पुलिस ने किया एक बाइक चोर को गिरफ्तार। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स बैठी धरने पर। भाजपा लाभार्थी सम्मेलन का हुआ आयोजन, प्रदेश संयोजक गजराज सिंह बिष्ट ने की शिरकत। 700 मीटर गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, अल्मोड़ा पुलिस का वृहद सत्यापन अभियान जारी। दबंगों के द्वारा सीएसई सेंटर के संचालक और कर्मचारी के साथ हुई मारपीट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस का ई बीज ऐप भी लॉन्च किया। साथ ही पुलिस ट्रेनिंग में नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस का ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में आने जाने में जो एक समय खराब होता था उस समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एचटीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है, तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित हुआ है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के ज्वाला वन बीट क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने वन निगम कर्मचारियों के अलावा निगम ठेकेदार के साथ एवं तराई पश्चिमी वन विभाग के बीट वॉचर के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, लकड़ी तस्कर लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन लूट कर ले गए, जिसके बाद निगम एवं वन विभाग की कर्मचारियों के साथ हुई इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने आए एक लकड़ी तस्कर की बंदूक भी वन कर्मचारियों ने छीनकर पुलिस के हवाले कर दी है। संवाददाता कैलाश सिवाल की रिपोर्ट। ये ज्वालावन में जो वन निगम की लॉट चल रही है, लॉट नंबर 5 है, जिसमें कि यूकलिप्टिस का पातन हो रहा था, तो उस वाली लॉट पे कल रात में सूचना मिली कि कुछ लोग जो है आसपास के गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और वन निगम के लॉट से जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई थी लकड़ी और उसको सुबह निकासी होनी थी जिसकी, वो उसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के गए और वन निगम के स्टाफ के साथ मारपीट की और उनके साथ गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया। तभी हमारे फॉरेस्ट की टीम को उनके द्वारा सूचना दी गई, तो फॉरेस्ट की टीम पहुंची तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और तो उनके साथ भी झगड़ा हुआ हमारे स्टाफ के साथ में, तो उनमें से हमारे स्टाफ ने उनके पास जो बंदूक थी एक बंदूक छीन ली और वो बंदूक फिर बाद में उसके बाद पुलिस को 112 में भी सूचना दी गई, पुलिस आई तो उसके बाद वो बंदूक उन्होंने पुलिस को सौंप दी। और इस बीच में ऐसा भी हो रहा है कि ये लगातार ये इस तरह के चल रहा है कि ये वन निगम की लॉटों से बार बार वो जो कटे हुए माल को जो है ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको पहले भी पूर्व में भी वन निगम को बताया गया कि आप इसमें इनके खिलाफ बाय नेम तहरीर दें थाने में, लेकिन इनके द्वारा कोई इस तरह की तहरीर नहीं दी गई है। इनकी जो ऐसा लगता है कि ये जो ये लोग इसको इस मामले को ज़बरदस्ती लंबा खींच रहे हैं। वन निगम वालों को तत्काल ही इसको करना चाहिए था कि तहरीर दे करके अपना जो माल कटा हुआ पड़ा उसको किनारे पड़ा हुआ उसको उठा के ले जाते, लेकिन अभी तक वो उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे द्वारा जब जो हमारा स्टाफ द्वारा कल जब रात की जो घटना हुई उसके बारे में एक तहरीर यहाँ थाने में दी गई है। इससे पूर्व भी दो तहरीर हमारे द्वारा जो दो तहरीर अलग अलग लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर यहाँ पर दी गई है हमारे द्वारा वन विभाग के स्टाफ के द्वारा। सोमवार
लगातार देर रात ट्रेन की चपेट में आकर एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का कटा हुआ शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद कोतवाली एवं जीआरपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें, शव की शिनाख्त धनपाल निवासी ग्राम चिल्किया के रूप में हुई है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। देखिए, अभी सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, तो मौके पर पुलिस ने आके इस शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिल्किया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी सबको कब्जे में ले लिया है पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने आज 4 दिन पूर्व मुख्य बाजार से हुई एक बाइक चोरी के मामले में चोर को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भवानीगंज निवासी आशीष श्रीवास्तव को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। ये बाइक चोर का मामला ये है, सत्यवान शर्मा की बाइक थी जो पुरानी तहसील रामनगर में लोहारा लाइन के पास में खड़ी थी। ये अनिल के यहाँ काम करता है, ये चाय की दुकान के पास में खड़ी करती थी, वहाँ से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरों द्वारा 17/6 को चोरी कर ली गई थी। फिर 18 तारीख को मुकदमा कायम हुआ। मुखबिर खास की सूचना पर हम जो है रवाना हुए और उसने बताया कि मुखबिर खास ने कि चोर इधर से आ रहा, हमने मौके पर बाइक के साथ पकड़ लिया चोर को, कौन मामले न्यायालय में पेश किया जाएगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां आज क्षेत्र की सभी आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में धरने पर बैठी। आशा वर्कर्स का कहना है कि पिछले 8 माह से वेतन नहीं मिला है और वेतन के नाम पर सिर्फ झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारी मांगे ये हैं, 8 माह से हमारा कोई वेतन नहीं है और हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि हर 15 तारीख में पेमेंट आ जाएगा। 8 माह हो गए हैं देखते, पर जब कोई पैसा नहीं आया तो हमने धरना करना शुरू कर दिया। कल हमारा जिले में धरना था और हमारा जब तक पैसा नहीं आएगा धरना हमारा यूं ही चलता रहेगा। अधिकारी को कहना यही है कि 15 तारीख तक पैसा आ जाएगा। अब 15 जुलाई हर तारीख पे देते रहते हैं पर पैसा कोई है नहीं और काम इतना दे रखा है कि इतनी धूप हो रखी है, रोज़ सर्वे करो, डेंगू का सर्वे करो, कभी ये रिपोर्ट दो, चैन से बैठने नहीं देते हैं हमें आशाओं को और पैसे का कोई सवाल नहीं है अभी तक। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्थान पर भाजपा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थी सम्मेलन के प्रदेश संयोजक गजराज सिंह बिष्ट भी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल आदि भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। को जो जो लाभ मिला है वो सभी आप स्वयं ही लोग लाभार्थी हमारे सम्मेलनों में आ रहे हैं, उनसे हम केवल एक ही निवेदन कर रहे हैं
कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो यह देश प्रगति और विकास के पथ पर चला है, जो विश्वगुरु की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, उन सभी से निवेदन कर रहे हैं 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने, माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम सभी से यही निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिथौरागढ़ राजमार्ग पर स्थित सिकुड़ा बैंड के पास अनियंत्रित होकर 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी एक कार, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि मृतक चालक हवालबाग के उजियारी गाँव निवासी था और अपनी कार से अल्मोड़ा की तरफ जा रहा था, तभी सिकुड़ा बैंड के करीब अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा गिरी। वहीं एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस का सत्यापन अभियान अभी भी जारी है, जिसके चलते बिना सत्यापन किराएदार रखना मकान मालिकों को भारी पड़ रहा है। आपको बता दें, अल्मोड़ा पुलिस ने सत्यापन अभियान में 45 व्यक्तियों का सत्यापन कर दिया है। वहीं बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 5 भवन स्वामियों के 10,000 के कोर्ट चालान, एक भवन स्वामी का 5,000 का चालान भी किया गया है। अभियान के दौरान अल्मोड़ा पुलिस द्वारा लोगों को किराएदार सत्यापन के प्रति जागरूक करते हुए अपने किराएदारों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराए, अन्यथा विधिक कार्रवाई की हिदायत दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लो पक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में दबंगों के द्वारा सीएससी सेंटर के संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मारपीट की घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी फिलहाल जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि वो रिचार्ज कराने के लिए आए थे कुछ लोग, और रिचार्ज नेटवर्क के इशू की वजह से फेल हो गया, और इसी बात पर उन लोगों में विवाद हो गया, और जो लोग आए थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनका सामान तो तोड़ दिया, जिसमें उसमें उनके एक कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं। तो उसमें हम लोगों ने फुटेज भी अभी कब्जे में लिया है, उसमें अभियोग पंजीकृत करके हम लोग उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, उसमें शीघ्र कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।